Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anushka and those of you who are new here, welcome to my channel. Guys, आज का जो वीडियो है वो Flipkart के मेकअप ब्रशेस के बारे में है. ये जो मेकअप ब्रशेस हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड यू नो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं Flipkart पे. तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपने इन्हें Flipkart पे देखा ही देखा होगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट रियली मीन्स अलॉट टू मी. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आप यू नो अच्छी अच्छी कंपनी के बहुत ही ज़्यादा ब्रशेस खरीद सकते हो. बट अगर आपका बजट कम है एंड आप चाहते हो कि आपको मोर देन इनफ ब्रशेस मिल जाए जो कि आपका मेकअप में हेल्पफुल हो, तो आप बिल्कुल ये वाले ब्रशेस खरीद सकते हो. गाइज, मैं पैकेजिंग वगैरह दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. इन ब्रशेस का जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो. गाइज, इसमें मुझे 10 ब्रशेस रिसीव हुए हैं एंड इनकी इसकी जो MRP है वो है ₹183. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 20 to 40 rupees आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ सकते हैं, ठीक है. अगर हम इन ब्रशेस की बात करें तो ये कुछ इस कलर में है, गोल्डन एंड ब्लैक में, आप देख सकते हो. ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी फैंसी सा लुक देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, वाइट था, ग्रे था, बहुत सारे थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. सेकेंड थिंग कि इसमें आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे. यू नो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो 24 ब्रशेस की 34 ब्रशेस की किट खरीदते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी यू नो नेसेसरी होती है. बिकॉज ये जो किट है इसमें आपको सारे ब्रशेस मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हाइलाइटर ब्रश, वो इस किट में ज़रूर नहीं है, तो वो आप सिंगल भी कहीं से परचेज कर सकते हो. तो सो गाइज, यहाँ पे जो हम पहले ब्रशेज देख रहे हैं वो आई ब्रशेज हैं एंड इसमें आपको 5 ब्रशेज मिलते हैं जो कि आपकी पूरी आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मोर देन इनफ है. बिकॉज ये वही ब्रशेज हैं जो हमें बेसिकली आई मेकअप में लगते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ ब्लेंडिंग ब्रश की, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. इसके बिना आई मेकअप अचीव करना इज समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल. तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है. तो गाइज, एज यू कैन सी कि ये जो ब्रश है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड मुझे इसकी क्वालिटी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. बिकॉज अगर हम इसके ब्रसल्स चेक करें तो इसका एक भी ब्रसल आप देख सकते हो निकल के बाहर नहीं आ रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया. तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है. यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लफी ब्रश है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी. ब्लेंडिंग में भी ये काफ़ी यू नो सपोर्ट करेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ब्रश है. तो मुझे ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे क्वालिटी सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ब्रश की. तो ये आपके बेसिकली जो आपका आई मेकअप होता है उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल ब्रश, आई मस्ट टेल यू. बिकॉज अगर आपको एक अच्छा आई लुक अचीव करना है तो उसमें ब्लेंडिंग ब्रश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, अब हम दूसरे ब्रशेज देखते हैं. यहाँ पे हमें तीन तरह के ब्रशेज और चार तरह के ब्रशेज और दिए हुए हैं जो कि अगेन हमारे आई मेकअप में ही काम आते हैं. ये वाला जो ब्रश है, ये वाला जो ब्रश है ये बेसिकली आपके इनर कॉर्नर्स को, आपकी ब्रोज को, यहाँ पे इनर्स कॉर्नर को, ब्रोज को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है. आपकी जो आईब्रोज जो उनको हाईलाइट करना होता है उसके लिए यूज़ होता है. तो बेसिकली ये आई के लिए एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है. एंड अगर मैं इसकी भी क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो ब्रश है ये हमेशा स्टिफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी फ्लफी हो, क्योंकि अगर ये फ्लफी होगा तो ये बिल्कुल आपके आई मेकअप को बहुत डिस्टर्ब कर देगा. तो ये जो ब्रश है ये स्टिफ होना चाहिए एंड जो ये ब्रश बिल्कुल है, मुझे काफी स्टिफ लगा ये एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. क्वालिटी इन सभी ब्रशेस की बहुत ही अच्छी है गाइस, ऐसा नहीं है ये क्वालिटी बुरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. आप इसे अच्छे से पकड़ के आप अच्छे से अपने ब्रोज को हाईलाइट कर सकते हो, इनर कॉर्नर्स में आप ना उनको हाईलाइट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ब्रश होगा ये. तो गाइज, अगला जो मेरे पास सेट है वो है ये 5 ब्रशेस का. ये आपके फेस ब्रशेस होते हैं अगर मैं समझाऊँ तो. सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्रश की. ये वाला जो ब्रश है जिसका जो सरफेस है ऊपर से वो बिल्कुल फ्लैट है, देखिए आपको यहाँ से दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है इसका. तो ये जो होता है बेसिकली आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए होता है. एंड गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये ब्रशेज यूज़ भी किए थे तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसके बारे में, उनके बारे में, वो यही है कि जैसे कि जब भी आप ना प्रोडक्ट लेके इन्हें ब्लेंड करते हैं ना तो ये बहुत कम प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करते हैं एंड ये चीज़ मुझे इन ब्रशेस की सबसे अच्छी लगी. बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो लेकिन ये चीज़ मुझे इन ब्रशेस के साथ नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगी अपनी स्किन के ऊपर. तो यस, ये वाला जो है ये आपके फाउंडेशन के लिए आता है, फ्लैट ब्रश है, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है इधर से. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा.
एंड ऐसा नहीं है, सॉरी दैट्स माई डॉग, ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी बेकार हो। आप देख सकते हो कि मैं इसको खींच भी रही हूँ तो मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं आया, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। डोंट यू नो थिंक कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सस्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाइस जो दूसरा ब्रश है वो है मेरे पास कॉन्टोरिंग ब्रश, इससे आप अपने यू नो कॉन्टोरिंग कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉन्टोरिंग ब्रश है ये, स्पेशली कॉन्टोर के लिए ही यूज़ होता है। एंड आप अगर एक आर्टिस्ट हो तो ऑफकोर्स आप एक ब्रशेज से हज़ार यूजेस कर सकते हो, बट ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो आर्टिस्ट नहीं है। एक आर्टिस्ट तो उसको तो आप कुछ भी दे दो, वो कैसे भी कर सकता है। एंड गाइस यहाँ पे जो आपको ये है ना ओवल शेप का ब्रश दिख रहा है ना, ये वाला जो ब्रश है ये मल्टीपर्पज़ ब्रश होता है। एंड इसी से सिमिलर एक आई ब्रश में एक ब्रश आया था जो कि मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, ये वाला आप देखिए, आपको इन दोनों का शेप एक जैसा लगेगा, राइट। तो ये इन दोनों का शेप एक जैसा इसीलिए क्योंकि ये भी मल्टीपर्पज़ ब्रश है आईज़ के लिए, एंड ये भी मल्टीपर्पज़ ब्रश है, ये फेस के लिए मल्टीपर्पज़ ब्रश है। आप इससे अपने यू नो हाईलाइट कर सकते हैं, आप इससे फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं, आप इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, एंड आप इससे बहुत सारे यू नो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है आपके फेस के लिए। तो नेक्स्ट ब्रश है मेरे पास वो ये वाला है फ्लैट ब्रश, आप देख सकते हो ये ऐसा है, इधर से देखिए, हाँ आप देख सकते हो ये ऐसा है। तो गाइज ये जो ब्रश है ये स्पेशली जो यूज़ होता है ये आपकी यू नो ब्लश के लिए यूज़ होता है, ताकि जो आपका ब्लश है वो बिल्कुल सही जगह लगे। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, एंड एज अ ब्लश भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा। मुझे इन सारे ब्रशेस की क्वालिटी बहुत ही शानदार लगी। आप देखिए ब्रश अलग ही शाइन कर रहा है यहाँ पे, इनके जो ब्रेसल्स है वो अलग ही शाइन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्रेसल्स काफ़ी वीक है, बिकॉज अगर मैं इनको ऐसे भी करूँ तो ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। एंड मुझे पर्सनली क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रशेज हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रशेज हैं, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइस जो हमारे पास जो लास्ट ब्रश है वो ब्रश है ये वाला। अब ये वाला जो ब्रश है ये भी आप है ना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली ये ब्लेंडिंग ब्रश है फेस के लिए। आप देख सकते हो इसका जो शेप है वही ब्लेंडिंग ब्रश का है, तो आप इससे अपने फेस की अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो। ये वाला ब्रश एंड आई मेकअप में ये वाला ब्रश काफ़ी सिमिलर है, आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों ब्रश ये आई मेकअप ब्लेंडिंग के लिए है, यानी फेस मेकअप जो भी आप यू नो फाउंडेशन लगाते हो कंसीलर लगाते हो उनके लिए ब्लेंडिंग में काफ़ी यू नो यूज़फुल रहेगा। आप इससे अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो यहाँ पे लगा के, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रश लगा मुझे। एंड सारे ब्रशेज गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया सारे ब्रशेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड गाइज दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये ब्रशेज अच्छे लगे तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।